हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर कर रही हूं जिससे आप अपने स्टिच मार्क को एक मंथ के अंदर जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में स्टिच मार्क हैं तो ये देखने में बहुत ज़्यादा भद्दे लगते हैं। इन्हें ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं। स्टिच मार्क होने की बहुत सारी वजहें होती हैं, जैसे कि अगर आप का वज़न बहुत तेज़ी से घटता है या बढ़ता है, या फिर लेडीज़ों में प्रेगनेंसी के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हार्मोनल चेंज की वजह से भी स्टिच मार्क पड़ जाते हैं। दोस्तों, स्टिच मार्क किसी भी वजह से हो, इस होम रेमेडी को ट्राई करोगे केवल एक मंथ के अंदर आपकी जो स्टिच मार्क्स हैं वो जड़ से दूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको सपने सा लग रहा है पर ये हकीकत है, बस आपको इस होम रेमेडी को फॉलो करना है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूं आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। तो चलो दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये जो ऑयल है, जी हाँ, ये एक तरह का ऑयल है और इसे कहते हैं कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल। जी हाँ, आपने इसके बारे में सुना होगा। कैस्टर ऑयल हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और कैस्टर ऑयल जो हमारे स्किन पर जो दाग धब्बे होते हैं उन्हें मिटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बालों के लिए भी अच्छा होता है कैस्टर ऑयल एंड हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, आप स्टिच मार्क को रिमूव करने के लिए आपको इसी कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, कैस्टर ऑयल में एक तरह का फैटी एसिड पाया जाता है जिसको राइसिनोलिक एसिड कहते हैं। दोस्तों, ये जो एसिड होता है वो हमारे स्किन की साफ सफाई करता है। ठीक है, धीरे धीरे हमारे स्किन में जो दाग धब्बे हैं उसको रिमूव करने का काम करता है, साथ ही हमारी स्किन को हेल्दी भी बनाता है। और कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल अगर हम स्किन पर करते हैं तो हमारी स्किन मॉइस्चराइज होती है। तो दोस्तों, आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है? दोस्तों, आप चाहो तो डायरेक्टली कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, एक टॉवल आपको गर्म कर लेनी है, यानी गर्म पानी में आपको टॉवल डालकर उसे निचोड़ लेना है। उसके बाद आपको जहाँ पे भी ये स्टिच मार्क की प्रॉब्लम है आपको वहाँ पे भाप देना है, थोड़ा स्टीम देना है। स्टीम देने के बाद आपको कैस्टर ऑयल की मालिश करनी है। स्टीम आप 10 मिनट तक दे सकते हैं, उसके बाद आपको लगभग 5 से 10 मिनट आपको ये मालिश करनी है। दोस्तों, ये जो ऑयल होता है हल्का सा चिपचिपा होता है और बहुत ही स्मूथ होता है। ठीक है, इस तरह आपको मालिश देनी है, उसके बाद आप उसी टॉवल से फिर से एक बार स्टीम दे सकते हैं। एक तो ये तरीका, दूसरा अगर आप स्टीम नहीं देना चाहते हैं, जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं, ठीक है, रात के टाइम। ठीक है, आपको जो रेमेडी करनी है वो रात के टाइम ही करनी है। ठीक है, रात के टाइम सोने से पहले आप गर्म पानी से नहा लीजिए, हल्के गुनगुने पानी से नहा लीजिए। नहाने के बाद आपको बॉडी पर इस ऑयल की मसाज करनी है। ठीक है, 5 से 10 मिनट मसाज कीजिए, फिर एक बार गर्म पानी से आप बाथ ले लीजिए। ठीक है, गर्म पानी से नहा लीजिए। ठीक है, ऐसा आप एक महीने तक करेंगे तो आपकी आपकी जो स्टिच मार्क हैं वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, एक इस तरीका है। एक और तरीका है, अगर आप बहुत ही जल्दी तरीके से आप इसको दूर करना चाहते हो, अपने स्टिच मार्क को दूर करना चाहते हो, तो आप कैस्टर ऑयल में थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिलाकर आप उसे हीट कर सकते हो। हीट करने के बाद आप इसकी मालिश कीजिए, लेकिन हाँ, उससे पहले भी आपको स्टीम लेना ज़रूरी है या फिर आपको गर्म पानी से नहाना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ही आप इस होम रेमेडी को ट्राई करिए। दोस्तों, इस होम रेमेडी को आप ट्राई करते हो तो हफ्ते भर के अंदर आपका जो स्टिच मार्क की प्रॉब्लम होगी वो धीरे धीरे जाने लगेगी, आपको नजर आने लगेगा। पूरे महीने यूज करोगे तो ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, कैस्टर ऑयल हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप इसे बालों पे भी लगा सकते हो, बालों को स्मूथ बनाता है। ठीक है, और आपके बाल घने हैं, घने बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इसको लगाने के बाद जो घने बालों के उलझने की जो प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा उलझते हैं घने बाल, तो इससे सॉल्व कर देता है। ठीक है, और हमारे बाल हेल्दी भी रहते हैं, बाल झड़ने की प्रॉब्लम भी कैस्टर ऑयल दूर करता है। दोस्तों, आप इस होम रेमेडी को ट्राई करना, ट्राई करने के बाद अपना अनुभव कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, स्टिच मार्क्स को लेकर या अरंडी के तेल कैस्टर ऑयल को लेकर कोई भी मन में सवाल है तो बेहिचक कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।